सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने माफिया बृजेश सिंह के 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। अपनी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने अरविंद गाजीपुर पहुंचे थे। साथ ही अरविंद राजभर ने घोसी उपचुनाव में विपक्ष की जीत में मायावती फैक्टर को भी समझा दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है अरविंद राजभर का। लोकसभा सीट पर बृजेश सिंह को टिकट दिया जाएगा, वो मैदान में होंगे, क्या कहेंगे आप? हमारे पिताजी ने स्टेटमेंट ये नहीं दिया है, हमारे पिताजी ने स्टेटमेंट ये दिया है कि एनडीए प्रयास करे ना, हमको का प्रयास करना है? हमको गाजीपुर सीट चाहिए भी नहीं, हमको जो सीट चाहिए वो सीट पर तैयारियां चल रही हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा है और 80 सीट की तैयारी कर रही है। 80 सीट पर हम लोगों को विजय पताका लहराना है, बाकी रण का मैदान है, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो बात की बात है, लेकिन हमारी तैयारी 80 सीट पर है। कौन चुनाव लड़ेगा, बृजेश सिंह लड़ेंगे कि धनंजय सिंह लड़ेंगे कि कौन लड़ेगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसके पक्षधर नहीं है कि ऐसे साथियों को जो है लाया जाए। वो एनडीए के भाजपा में उनके लोग एमएलसी हैं, वो अपना बतियावे ना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव लड़ना होगा गाजीपुर से, तो हम अपने प्रमुख जी को लड़ाएंगे, हम इनको लड़ा देंगे भाई, हम तो उनको लड़ाएं, अगर सीट मिलती है हमको तो हम अपने पार्टी की शिकायतकर्ता को लड़ा देंगे। ठीक है तो वो अलग का विषय है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है और सही दिशा में है। अरविंद जी, अभी आपने एक सवाल भी पैदा कर दिया, सुभाषपा लोकसभा कौन सी सीटें, किन सीटों पर लड़ना चाहेगी, कौन सीटों की मांग कर रही है? भारतीय समाज पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही है, पूरा पूर्वांचल की 5 सीटें हैं, और उन 5 सीटों में वो भी सीटें हैं जो सीटें अभी विगत समयों में भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, तो उन्हीं सीटों में से हमको सीटों की आवश्यकता है और सीटें मिलेंगी भी, पार्टी लड़ेगी भी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। घोसी उपचुनाव हारने के बाद क्या एक बार फिर से चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे आप लोकसभा चुनाव? महाराज, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी को चैलेंज मानती ही नहीं है, हम अपने हमेशा कार्य को चैलेंज मानते हैं, हम अपने संगठन को चैलेंज मानते हैं। देखा, अंधे के हाथ में बटेर लग गए से ना, वो निशानेबाज ना हो जाला, ठीक ना? और वहाँ घोसी का प्रदेश दूसरा है, लाख विरोध था, बीएसपी कैंडिडेट उतार दी होती, अगर बीएसपी कैंडिडेट उतार दी होती तो सबको अपनी अपनी हैसियत पता चल जाती, वो फालतू में ये सब बकवास प्रश्न है। अरविंद जी, देखा जाए तो राहुल गांधी का एक बयान चल रहा है चर्चाओं में, देश के प्रधानमंत्री के, उन्होंने एक पनौती जो अपने भाषण में दिया है, उस पनौती को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अरे, उनको तो लोग पप्पू भी कहते हैं तो पहले खुद पर तो देखे कि हमको पप्पू लोग क्यों कहते हैं। राहुल गांधी जी अगर एक्चुअल में पॉलिटिकल होते तो इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देते। जिस प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को लोहा मनवा दिया, आज भारत प्रगति के पथ पर है, हर स्तर में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो वो उनके लिए प्रधानमंत्री जी पनौती जरूर होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती जरूर होंगे। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ, अभी उन लोगों ने गठबंधन बनाया है, उसको बोलते हैं इंडिया, ठीक ना? मेरा एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो गठबंधन है, मैं बहुत पहले जब इसका निर्माण लोग कर रहे थे, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लोकसभा चुनाव आते आते ये सब के सब अलग अलग हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया कि मैं उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ूंगा, कहाँ गया गठबंधन? तो जब जब ये लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ ताकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी तरफ कोई बुरी निगाह से देखेगा उसको पीलिया हो जाएगा, तो उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ जो भी उस निगाह से देखेगा उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, और उसी का परिणाम ये है कि उनका गठबंधन टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे मुस्तैदी से लगी हुई है, सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, सिर्फ सीट लेने के लिए नहीं, हम पूर्व की सरकार में भी थे, आगे भी सरकार में रहेंगे, पूर्व की सरकार में रहे तब भी वंचित वर्गों के हिस्से की बात किए, तब भी बेरोजगार नौजवानों की बात किए, बेहतर शिक्षा की बात किए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात किए, जो गरीब खाए बिना मर रहा था उसके भोजन की बात किए, जो दवाई के अभाव मर जा रहा था उसके दवाई की बात किए, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था उसकी शिक्षा की बात किए, और बहुत सारे बदलाव भी हुए। उन बदलाव को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को कहते हुए पाया गया है कि ओम प्रकाश राजभर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ओम प्रकाश राजभर देश हित में उनके साथ खड़ा है, और आने वाले समय में मंत्री बनावे चाहे मत बनावे,
ओम प्रकाश राजभर विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, गरीब कल्याण की बात करता है, वो भी अंतिम व्यक्ति। हम किसी अमीर की पैरवी नहीं करते, हम उनकी बात करते हैं कि जब हम गांव में जाते हैं तो बूढ़ी माँ, 90 साल की बूढ़ी माँ जब लाठी लेके आती है और एक बात कहती है कि बाबू हमारा आवास अभी तक नहीं बन पाया, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम उस गांव में जाते हैं, उस परिवार के पास जाते हैं जो परिवार ये कहता है कि रात को मेरे घर में भोजन नहीं बना था, हम उसकी रहनुमाई करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम उसकी बात करते हैं जब थाने पर कोई व्यक्ति जाता है उसके साथ न्याय नहीं होता है तो उसकी बात हम करते हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। बाकी जो मजबूत लोग हैं वो तो अपनी व्यवस्था खुद ही टाइट कर लेते हैं। अरविंद जी, लास्ट प्रश्न है कि मंत्री पद की अब चाह नहीं, सिर्फ गठबंधन धर्म निभाएंगे क्या? एकदम निभाएंगे भैया, हम गए थे पिछली बार भी समाजवादी पार्टी, हम सोचे कि पिछड़ों की पार्टी है, मिल करके काम किया जाएगा, लेकिन वहाँ न जाने के बाद हमको ऐसा लगा कि वो तो शंकर भगवान वाली कहावत रिपीट हो गई। जब मैं अंदर गया, सब कुछ देखा, ताका, बात किया, बातचीत किया, 22 सीट का दावा करके सीटों की सूची मैंने दिया, हमारी जो सीटें थी उन सारी सीटें अपोजिट हो गई, सब सीटें ख़त्म हो गई, अपने मन से लोगों ने सीट दे दिया। जब हम देखे कि ये तो हमारी पार्टी को समाप्त करने का बंदोबस्त किया जा रहा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जब एक पहली बार मैं मिला था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बाबूजी को समझाते हुए यही कहा था कि बड़े दरबार में कभी मत जाना, अपनी ताकत बढ़ाओ, संगठन मजबूत करो, कार्यकर्ताओं, वोटरों, मतदाताओं, समर्थकों के लिए लड़ो, भिड़ो, संघर्ष करो। जब संघर्ष करोगे तो एक मुलायम नहीं 100 मुलायम पैदा होंगे जो ओम प्रकाश राजभर को याद करेंगे। और ये बात अखिलेश यादव जी को नहीं समझ में आता, एक मजबूत व्यक्ति, एक मजबूत संगठन की पार्टी, उसको उन्होंने तलाक दे दिया। और तलाक देने के पीछे यही कारण था कि अखिलेश यादव जी भस्मासुर की भूमिका में आते हुए नजर आ रहे थे। मेरी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ही खत्म करने के पीछे पड़ गए, हमारे नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, इन सारी सिचुएशन को देखा गया। हमने कहा भैया हम तलाक तुम्हारा स्वीकार करते, तू अपने घरे, हम अपने घरे, और हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ काम करें। हीरे की परख उसी व्यक्ति को होती है जो उसकी कीमत को समझता है। भाजपा से हमारा इतना द्वंद्व हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको समझा और सारे द्वंद को मिटा करके फिर फ्रंट पे खड़ा किया, कहा कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण कोई कर सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, अंतिम व्यक्ति की बात कोई कर सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, और सच्चाई को सच्चाई से कोई कह सकता है तो ओम प्रकाश राजभर। इसीलिए हम लोग आ गए। अरविंद जी, देखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार न होने से क्या ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा से नाराज चल रहे हैं? इस तरह मीडिया में सुर्खियाँ चल रही हैं, इस तरह खुश है रोज यही बात बाबूजी से होती है, हमारे नेताजी बहुत खुश हैं, ऐसी कोई नाराजगी हाँ नाराजगी है, किसको पता है, विरोधियों को। इसके साथ ही अरविंद राजभर ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा 5 लोकसभा सीटें बीजेपी से मांग रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या 5 सीटें मिलेंगी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।